ये दरवाज़ा है मेरे कमरे का, इस पर ये मेकाट्रॉनिक्स के बारे में बहुत सारी मालूमात दर्ज हैं, बहुत ही कारामद मालूमात, बहुत ही अहम मालूमात दर्ज हैं। और ये एक छोटी सी टाई है। आगे आइए, ये खिड़की है जो टेरेस में खुलती है। इसके बाद ये अलमारियां हैं, अलमारियों में क्या है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी स्टडी टेबल है जो स्टडी से अलग कबाड़खाना टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा बुक शेल्फ है, ये मेरी बुक्स हैं। ये बुक है जी लीनियर अलजेब्रा की, ये है ओडीई की, कुछ बुक्स मेरी जूनियर्स के पास हैं, ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ये कुछ मैकेनिक्स की बुक्स हैं सारी, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कंप्यूटर साइंसेस की बुक्स हैं। और ये कुछ इस्लामिक बुक्स हैं। ये फ़ज़ाइल अमाल, हयात सहाबा, हयात सहाबा के तीनों हिस्से। ये आप देखें अगर तो कुरान करीम की तफसीर तर्जुमा जो सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से तोहफ़तन दिया जाता है वो है ये। और ये देखें, ये है एक तोता, ये ज़िंदा है और ये बातें भी करता है। अभी देखिएगा बोलेगा मियाँ मिठू, देखा आपने। ये घड़ी है, ये सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है। सुबह सुबह का सबूत ये है कि अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो अंधेरा है, तो सुबह सुबह 8 बजे। अच्छा, ये मेरा बेड है, बेड पे टॉवल, ये चार्जर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सामने वाली दीवार है, आयतुल कुर्सी लगी है। इधर आ जाते हैं, ये मेरा कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल, इसके ऊपर यूएसबी पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, कंप्यूटर, ये प्रिंटर, प्रिंटर पे मोबाइल। और हाँ, ये एक बहुत ही प्यारे बच्चे की तस्वीर है, स्माइल चेक करें जस्ट, और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत बच्चा। इसको ज़रा हम जूम कर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चा। और ये एक कायदे आज़म के ज़माने का टीवी, कायदे आज़म को उनके परदादा ने गिफ्ट किया था ये। इस पे कई लोग ये शक करते हैं कि इसमें तस्वीर आती है कि नहीं, मैंने कहता हूँ यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बात भी नहीं, अब इसमें से आवाज़ नहीं आती, तस्वीर क्या आनी है। ये अल्लाह अल्लाह करने की जगह, इस पे अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये इस्त्री करते हैं इधर, इसी को उठा के। और ये देखिए, ये छोटा सा शीशा लगा, मिरर। और बस ये यहाँ पे भी, इस साइड पे भी विंडोज़ हैं, ये भी आपको दिखा दूँ मैं, ये जाती हैं, ये भी, ये हमारे सामने वाले टेरेस की तरफ खुलती हैं। और छोटा सा मेरा कमरा है ये, बस दैट्स इट। और भी कुछ रह गया, ये रज़ाई है, ये रज़ाई, ये रज़ाई है। और ये मैं जब यूनिवर्सिटी से आता हूँ तो फिर मैं ये पैंट शर्ट उतार के इधर ऐसे ही डाल लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सुघड़ बच्चा हूँ, इसलिए अपनी चीज़ें जो है वो एहतियात से रख देते हैं। देख सकते हैं आप, ये जैसे बुक्स मैंने सेट करके रखी हुई है ना। और क्या रह गया, बस छोटा सा कमरा पूरा हो गया। थैंक यू।